महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी, 5 से 14 नवंबर तक मायावती के लिए मांगेंगे वोट। मायावती में सीटों पर फंसे पेज को लेकर अमित शाह के घर हुई बैठक, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को निर्देश, ध्यान रहे कोई बागी ना खड़ा हो पाए। अजित पवार के एनसीपी में बगावत, पार्टी नेता आभा बिज्जू पांडे ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भरा पर्चा। अजित गुट के एनसीपी को बड़ा झटका, छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय नामांकन भरा। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी, 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, बारामती से अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को उतारा गया। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और जितेंद्र अवहाड़ बुबरा से लड़ेंगे चुनाव, अनिल देशमुख को काटोल से दिया गया है टिकट। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, अजित पवार के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल। सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुट को निर्देश, पोस्टर बैनर पर डिस्क्लेमर लिखे, मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कल नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस, पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा किया। एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने पर्ली सीट से पर्चा भरा, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे रहे मौजूद। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले राष्ट्रहित में त्याग करना पड़ता है, इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। इंडी गठबंधन मजबूती से लड़ेगा उपचुनाव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद सपा ने बची 2 सीट पर भी उतारे अपने उम्मीदवार, गाजियाबाद से सिंह राव जाटव और खैर से चारू कैन को उतारा गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक, कहा सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, करैल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को दिया गया टिकट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट, कटहरी से धर्मराज निषाद को उतारा गया। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूपी बीजेपी का पलटवार, कहा ठग ने महाठग को ही ठग लिया। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट। परेड सीट से सीएम हेमंत सोरेन ने पर्चा भरा, कल्पना सोरेन ने गांडे सीट और महुआ माझी ने रांची से नॉमिनेशन फाइल किया। झारखंड में सीट ना मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस, अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस, 6 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है शिवराज सिंह चौहान का निशाना। हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार, कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं।